नमस्कार दर्शकों, थाने के बाहर से अचानक एक पुलिस वाली की बाइक चोरी हो जाती है और थोड़े ही दिनों में मिल भी जाती है। अगर कुछ नहीं मिलता तो वह है चोर। कैसी कमाल की बात है ना, क्राइम से बेखबर पुलिस सो रही है और जनता रो रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या समाज को ऐसी निकम्मी और नाकारा पुलिस की जरूरत है या नहीं। करिश्मा जी, आपने हमारे शो पर नेशनल टेलीविजन पर चोर को बड़ी बड़ी धमकियां दी थी, लेकिन अभी तक आप चोर को नहीं पकड़ पाई हैं। तो क्या हम ये समझें कि आप में वो काबिलियत नहीं है? करिश्मा जी जवाब दीजिए। करिश्मा जी देखिए दर्शकों, करिश्मा जी जो कि जानकीपुरम थाने की थाना इंचार्ज हैं, वो अभी तक हमारे कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई हैं। अम्मा क्या चल रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से ये धनंजय तोपा इंसान कहीं का बकलौली कर रहा है कब से। अम्मा करे तो क्या करे, हम क्या करे, हम क्या करे कि ना करे, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। जो करने गए हो ना वही करो, ऐसा सुर बिगाड़ेंगे ना तुम्हारा कि जब भी मुंह खोलोगे ना सड़वे गाने गाओगे, समझ गए? यही काम पे लगी। मैडम वो ये फाइल पे आपके सिग्नेचर्स चाहिए थे। वाह, जितना मौसम नहीं बदलता है ना उतना हमारा टिफिन बदल रहा है। अम्मा हमको लग रहा है ना पुष्पा जी को नॉनवेज अच्छा लगने लग रहा है, इसलिए वो जानबूझकर हमको ये आलू और ये दाल भेज देती है रोज। मतलब हमें ही कुछ करना होगा, अभी बताते हैं पुष्पा जी को। ये पुष्पा जी फोन का है नहीं उठा रही। वैसे फोन से दूर नहीं रहती है पुष्पा जी, लेकिन अभी फोन नहीं उठा रही है, दोबारा ट्राई करते हैं। अब नहीं मैडम, आप क्यों इतना टेंशन ले रही है, मैं चली जाती हूँ ना, मैं जाके ये डब्बा एक्सचेंज करवा दूंगी। ठीक है, डब्बा ही तो है। पक्का? हाँ हाँ बिल्कुल, बिजी होंगी ना पुष्पा जी। धन्यवाद। जय मैडम। जय। हाँ भाई, आप सब महानुभव, आपके दिमाग में कुछ आइडिया है कि हम कैसे चोर को पकड़ेंगे? सुनिए जी, आप संगीतज्ञ, कैसे पकड़ेंगे चोर को? वो मैडम बैठे बैठे एक आइडिया आया तो था। अच्छा? लेकिन उस सीन में थोड़ा भागना था, और आपको तो पता है कि हमारा स्पीड स्लो है। भागते बहुत अच्छा हो आप, किसने कहा एक नंबर भागते हो। क्या बात कर रहे मैडम, लेकिन जिम्मेदारियों से। ऐसा क्या है जो हमसे छूट रहा है, जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा, क्यों हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे? क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई मुजरिम नहीं है जिसके जुर्म का कोई सुराग ना हो। हम आ गए मैडम जी। वो आपके कहने पे ना हमने फिर से पता किया, उस चोर के हुलिये जैसा किसी भी इंसान का कोई भी सुराग नहीं मिला। पुष्पा जी। जी मैडम सर। आपने हमसे कहा था कि वो जो चोर है बाइक स्टार्ट करते वक्त कोई वीडियो देख रहा था। जी। हो सकता है कि वो कोई नौसिखिया हो और बिना चाबी के कैसे बाइक स्टार्ट की जाती है उसका वीडियो देख रहा हो। संतोष शर्मा, करिश्मा सिंह तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। यस मैडम सर। मैडम ये देखिए, सीसीटीवी फुटेज में ये दिख रहा है कि वो आदमी चोरी करते वक्त कोई वीडियो देख रहा था। कोई भी चोर चोरी करते वक्त इतना रिलैक्स कैसे हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है हमें इस एंगल से देखना चाहिए कि एग्जैक्टली उस वीडियो में क्या देख रहा था। संतु, हो सकता है कि वो इस वीडियो में ये देख रहा हो कि बिना चाबी के बाइक को कैसे स्टार्ट किया जाता है। अगर ऐसा है ना मैडम, तो मैं पता लगा सकती हूँ कि उस दिन इस एरिया में कौन कौन ये वीडियो ऑनलाइन देख रहा था। का बात कर रही हो संतू, जल्दी जल्दी पता लगा। We'll be right back.
करिश्मा जी, इस केस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना। मैडम सर, इस चोर को हमने धर दबोच लिया है। हमने इस चोर को अपनी काबिलियत से अपने अंदाज में पकड़ा है, वो भी आपसे पहले। कंग्रेचुलेशंस करिश्मा सिंह, हमें आपकी काबिलियत पर ना पहले कभी शक था और ना आज है। धन्यवाद मैडम सर, लेकिन हम इसे यहाँ इसलिए नहीं लाए ताकि आपको दिखा सके कि हमने आपसे पहले केस सॉल्व कर लिया है। लग तो ऐसा ही रहा। इसे हम यहाँ इसलिए लाए हैं ताकि हम सबको दिखा सके कि बिना मेहनत के कामयाबी पाने के चक्कर में लोग कितना गिर जाते हैं। इसका मुंह दिखाई अभी हम करेंगे, लेकिन तुमको शगुन ना बेटा, वो हमारा थाना में मिलेगा। समझ रहे हो बात को? मैडम सर, ये तो वही है पत्रकार। हाँ पुष्पा जी, ये वही पत्रकार है और यही चोर है। बताओ मैडम सर को चोरी क्यों किया हमारा बाइक? मैडम सर, उस दिन थाने की अंदर की खबर लेने के लिए हम ताका झाकी कर रहे थे, तो हमारी नजर करिश्मा मैडम की बाइक पर पड़ी। हमको लगा कि अब बस करिश्मा मैडम की बाइक ही है जो हमारे करियर को रफ्तार दे सकती है। हाँ, और इन्होंने सोचा कि हमारा बाइक हमेशा के लिए गायब करके इस मुद्दे को हवा देके बढ़ा देंगे। पुलिस फोर्स और हम पर सवाल उठाकर अपना न्यूज का चैनल अच्छे से चला पाएंगे। बेटा, बहुत गलत जगह पंगा लिया है तुमने, समझ रहे हो हमारी बात को? अब तुम देखो हम अपना भौकाल तुमको कैसे दिखाते हैं। मैडम, माफ कर दो प्लीज। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होती है, जिसे मजबूत और निष्पक्ष होना चाहिए, और तुमने उसी का नाम मिट्टी में मिला दिया। माफी मांगनी है तो उन लोगों से मांगो जो तुम्हारा न्यूज चैनल ये सोचकर देखते हैं कि तुम सच दिखा रहे हो। लेकिन मैडम सर, हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है। जब हमारा बाइक चोरी हुआ था तो बाइक हमारे थाने के पीछे था। बाइक हमारे थाने के पीछे गया तो गया कैसे? करिश्मा सिंह, जिसने भी ये काम किया है वो अपने किए को लेकर बहुत शर्मिंदा है, जाने दीजिए। का शर्मिंदा है? मतलब आपको पता है वो कौन है? कौन है बताइए हमको मैडम सर, नाम बताइए उसका जो बहुत शर्मिंदा हो रहा है। अब ये गलती चंपक से हुई है। करिश्मा सिंह शांत हो जाइए, इसमें सारी गलती चंपक की नहीं है। आपने शुरुआत से ही अपनी टीम को इतना डरा धमका कर रखा है, इतनी सख्ती से पेश आती हैं उनके साथ, कि इन सब के मन में आपके लिए थोड़ी सी कड़वाहट पैदा हो गई, और इसलिए जानबूझकर आपको परेशान करने के लिए चंपक ने ये छोटा सा मजाक किया। हमें लगता है कि अगर आप चंपक को माफ कर देंगी तो इन सब के मन में आपके लिए इज्जत बढ़ जाएगी, आपकी टीम जो है और मजबूत हो जाएगी, और फिर आप चुटकियों में सारे केसेस सॉल्व कर लेंगी हमसे पहले। चुटकियों में तो हम केसेस वैसे भी सॉल्व कर लेते मैडम सर, लेकिन आप चाहती नहीं है कि हम चुटकियों में केसेस सॉल्व कर लें। अगर आप चाहती ना तो ये चंपक वाला बात आप हमें उसी वक्त बता देती जब आपको पता चलता। और जहां तक बात है टीम की, तो टीम तो तभी बनती है ना जब टीम में भरोसा होता है, और चंपक ने वो भरोसा बनने से पहले ही तोड़ दिया है। चलिए, चंपक तो हमारी जिंदगी में अभी आया है, लेकिन मैडम सर, आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं मैडम सर हम आप पे। हाँ, हम मानते हैं हम यहां से थोड़े टेढ़े हैं, लेकिन मैडम सर, आप तो हमेशा जज्बात का बात करती है ना, हर बात पे आपने जज्बात को ऊपर रखा है, फिर आप कैसे मैडम सर, क्यों नहीं बताया हमको? जब हमारे जीतने का बारी आया तो आपने क्यों हमारा साथ नहीं दिया मैडम सर? क्यों छुपाया हमसे? केस को तो सॉल्व होना ही था मैडम सर, केस सॉल्व हो भी गया, आपके बिना बताए केस सॉल्व हो गया है, लेकिन मैडम सर, उस विश्वास का क्या जो हम आप पे करते थे? करिश्मा सिंह, माफ कीजिएगा मैडम सर, माफ कीजिएगा अगर हम कुछ ज्यादा बोल गए तो, लेकिन आपसे अभी एक विनती करना चाहेंगे। अब से आपको हमारे केस से रिलेटेड कोई भी जानकारी मिलती है ना, तो हम आशा करते हैं कि आप हमें बताएंगी, हमसे छुपाएंगी नहीं, जज्बात से तो नहीं, लेकिन अपने तरीके से हम उस केस को सॉल्व करना चाहेंगे जैसे ये वाला सॉल्व किया है। जय हिंद।
अम्मा फिर से वही बवाल, फिर से टिफिन बदल गया, फिर से हमारा टिफिन पुष्पा जी के पास, पुष्पा जी का टिफिन हमारे पास, का बवाल है ये। अरे भाई जवान बहुत चलते, जवान बहुत, पुलिस के सामने जवान चलाते। एक मिनट, कौन है ये? का शाबाशी दीजिए ना। नहीं, ऐसा का काम कर दिया तुमने कि हम तुमको शाबाशी दे दे। अरे केस लेकर आए मैडम, चोरी कर रहा था, रंगे हाथों पकड़ा पागड़ बिल्ले को। का केस? अरे लो देखिए मैडम, हमने कोई चोरी नहीं की है। देखिए ये मेरा जेब फटा हुआ था, यहाँ से मेरा पर्स नीचे गिर गया। एक मिनट छोड़ो उसे, बताइए बात कीजिए। देखिए मैडम, इसमें क्या हुआ कि हमारी जेब से ये पर्स नीचे गिर गया था, और जैसे हम लेने के लिए नीचे झुके, साहब अचानक पीछे से आ गए, हमको दबोच कर जबरदस्ती यहाँ लेके आए। पुलिस वाले तो क्या कुछ भी मनमानी करेंगे हमारे साथ? इल्जाम लगाता है पुलिस वाले पर? देखिए मैडम, ये फिर से डरा रहा है हमको। अगर आपको हम पर विश्वास नहीं है तो आप खुद ही चेक कर लीजिए। दिमाग कहाँ है तुम्हारा? बिना जांच पड़ताल के किसी को भी उठा लाओगे, और ऊपर से हम पर हाथ भी उठाए। हमें कहा बे टोपा हो क्या? ये क्या तरीका ड्यूटी करने का? आपसे ही तो सीखा है मैडम। क्या कहा था हमने? पहले मुक्का और लात, बाद में जबानी बात। अच्छा तो ये असली ट्रेनिंग यहीं से आ रही है? आप ही सिखा रही है ना अपने थाने वालों को ये सब गुंडागर्दी? आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, हम अपनी टीम की तरफ से हम माफी मांगते हैं। बहुत शर्मिंदा है हम। ये आपका वॉलेट, आप जा सकते हैं। सॉरी बोलो। सॉरी। इनको सॉरी बोलो। सॉरी। आप जा सकते हैं, धन्यवाद। पॉकेट सिलवा लीजिएगा। देखो ऐसा है कि पूरे लखनऊ शहर में ना हमारा है इज्जत। का है इज्जत? तो वो इज्जत, वो मान सम्मान हमको ऐसे फ्री में नहीं मिला है, बहुत काम किया उसके पीछे तब जाके हमें ऐसा इज्जत मिलता है यहाँ पे, और तुम जैसे चूरन के चक्कर में हम वो इज्जत गवाना नहीं चाहते हैं। जाइए अपना काम कर सकते हैं आप। और हाँ रुकिए, हम ये टिफिन देने जा रहे हैं पुष्पा जी को, वापस आएंगे, उस बीच में हमको कोई फालतू बवाल नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है? और हाँ एक बात और, भूलना नहीं हम 24 घंटा तुम दोनों पर नजर गड़ाए हुए हैं। कैसे मैडम? ऐसे। जाइए अपना काम कीजिए। अरे यार कब टलेगी ये बला, सोचा नहीं था कि ऐसा कभी बोलेंगे। जैसा भी था, लीचड़ था, कमीना था, गिरा हुआ आदमी था, मक्कार था, लेकिन ई मुसीबत से बहुत अच्छा था हमारा जीजा बुलबुल पांडे। हम तो भगवान से अब यही मनाते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और इस थाने में आ जाए। और उसी भगवान से हम ये दुआ मांगते हैं कि वो घड़ी कभी ना आए और ये मुसीबत हमें छोड़कर कभी ना जाए। आते हम। करिश्मा मैडम। गई वो? गई कहाँ? गई महिला थाने। गई महिला थाने? लेकिन मुझे तो बताया गया था कि आजकल उनका थाना यही है। अरे देवी जी, कौए के मुंडेर पे बैठ जाने से मुंडेर कौए का नहीं हो जाता। ये थाना बुलबुल पांडे का था, है और रहेगा, क्या समझी? तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो बे आजकल? हाँ चलो। क्या चल रहा है, दिक्कत क्या है पुष्पा जी, आप हमको ये समझाइए। काहे अदला बदली करती रहती है आप टिफिन का बार बार? अच्छा बदली हो गया? नहीं हमारे पास और काम नहीं है, हम बस पुष्पा जी के लिए आएंगे और टिफिन देंगे उनको आके। अगली बार से ऐसा हुआ ना पुष्पा जी तो बता। तो क्या क्या, हम भी तो आते हैं ना आपको आपका टिफिन देने अगर बदली हो गया हो तो। हाँ बात तो बिल्कुल सही बोल रही है पुष्पा जी। क्या सही बोल रही है? कुछ भी नहीं है साहब। रॉन्ग पुष्पा जी, गलत बोल रही है। आप जानती है ना आपकी बहू कैसी है? कैसी है बोलो? मेरा मतलब है कि कितनी जिम्मेदारियां हैं उन पे पुष्पा जी, आप नहीं जानती। हो गया पकैती दोनों का? हाँ बता रहे हैं पुष्पा जी हम आपको, सरकारी टाइम बर्बाद करने के चक्कर में आपका लाइन हाजिर हो सकता है। एक मिनट,
किसे धमका रही हैं आप? आपको देखिए, आप शायद भूल रही हैं कि अब आप इस थाने में नहीं हैं कि यहाँ आकर हम पर धौंस जमा कर चली जाएंगी। आपको अगर ये अपना भौकाल दिखाना ही है ना, तो जाके अपने थाने में दिखाइए। ये मत भूलिए कि यहाँ आप हमारी बहू हैं, तो बहू की मर्यादा में रहिए। चली गई ना बहू? घर पर है पुष्पा जी, यहाँ नहीं है हम, ठीक है? और सीनियर सीनियर होता है, आप समझ रही है बात को? देख रहे हैं बहुत घमंड आ रहा है आजकल आपको, पता नहीं किस बात का। और जो हवा में उड़ने लगी है ना, आप संभालिए, ऊपर ऑक्सीजन लेवल आपका कम हो जाएगा, दिक्कत आपको ही हो जाएगी। और कहा हमेशा के लिए नहीं गए हैं वहाँ पे, आ जाएंगे अभी थोड़े दिनों में यहाँ पे, फिर क्या होगा उसके बारे में सोचा आपने? नहीं तो सोचिए, चलते हैं। करिश्मा मैडम, हाँ, अब बहुत दिन हो गए साथ में लंच नहीं किया, आज आप आई हैं तो फिर साथ में बैठ के खा ही लेते ना? नहीं नहीं, खा उन बहुत काम है उनको। हाँ काम भी है हमको, और इसलिए हमें जाना है, फिर कभी आ जाएंगे, फिर खाएंगे हम साथ में। रुक जाइए करिश्मा सिंह। जैन मैडम सर। जय। सब इतना प्यार से कह रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। मैडम सर हम जरूर रुकते हैं, क्योंकि हमारी सास अटकी रहती है जब तक हम वापस नहीं जाएंगे। आपको तो पता ही होगा थाना चलाना कितना जिम्मेदारी का काम होता है। जय। खुद ही खा लीजिएगा। खुद ही खाएंगे। जय मैडम। जय। मैडम आप कहाँ जा रही है? मुझे रिपोर्ट लिखवानी थी। हाँ लिखवाइए ना अंदर जाके, आपको हेड कांस्टेबल पुष्पा जी मिलेगी, वहाँ जाके उन्हें रिपोर्ट लिखवा दीजिए। वो आपकी जूनियर है? हाँ पुष्पा जी हमारी जूनियर है, ये बात आप उनको बोलिएगा, उनको याद दिलाइएगा कि उनकी सीनियर एस आई करिश्मा सिंह ने कहा है, ऑर्डर दिया है कि आप उनको रिपोर्ट लिखवा सकती है, बताइएगा उनको, ठीक है? जी मैडम जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत सेफ फील होता है महिलाओं को आप इस शहर में है तो। सच कहे दरोगा जी देखे तो बहुत, आपसा नहीं देखा। धन्यवाद। खाइए संतोष। चलो चलो पेट पूजा शुरू करते हैं। प्रथा प्रथा प्रथा। खाने की प्रथा तो बहुत टाइम से चलती आ रही है, आप बार बार क्यों याद दिला रही? वैसे आप कौन? मेरा नाम प्रथा है, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। सॉरी मैं इनसेंसिटिव साउंड कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग खाना वाना बाद में खाइएगा, पहले मेरी रिपोर्ट लिख दीजिए प्लीज। अरे लेकिन देखिए आप अपने ना सीनियर की ऐसी ऑर्डर को अवॉइड नहीं कर सकते। कौन सीनियर? करिश्मा मैडम, मुझे बाहर ही मिली थी, इसलिए उन्होंने ऑर्डर दिया है कि खाना वाना बाद में खाइएगा, पहले मेरी रिपोर्ट लिखिए। अब उनके ऑर्डर की ऐसी की तैसी, अब तो लंच के बाद ही रिपोर्ट लिखी जाएगी, जाके वहां बैठो, जाओ। देखिए मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, मेरे पास टाइम नहीं है, अगर मैं वक्त पे घर नहीं पहुंची ना तो मेरी माँ मेरी जिंदगी नर्क बना देगी। माँ आप समझती क्यों नहीं है मैडम, प्लीज मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए, प्लीज लिख लीजिए ना। अरे एक मिनट क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? पुष्पा जी कौन है ये? पुष्पा जी वो हम पुष्पा जी है, प्रथा प्रथा है ये, और ये कंप्लेंट लिखवाना चाहती है। अच्छा ठीक है ठीक है, आओ आओ बैठो, बैठ कर आराम से बताओ क्या प्रॉब्लम है। हा? रिपोर्ट लिखवाते लिखवाते क्या मैं आपके टिफिन में से कुछ खा सकती हूँ? बहुत भूख लगी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और रोटी चाहिए? हाँ ठीक है। हाँ 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 मैडम सर, मैं भी साथ में बैठ के खा लूँ क्या? क्योंकि मुझे लगता नहीं मेरे लिए बचेगा। प्रथा दीदी, अभी आप घोड़े पर सवार होकर ऐसे हवा में सनसनाते हुए उड़ रही थी कि हमारे पास कुछ कहने के लिए है, प्लीज सुन लो, प्लीज सुन लो, हमसे बात कर लो, हमारे पास वक्त नहीं है। अभी क्या हुआ? अभी तो बैठ के सारा संतु जी का खाना खा गई आप। सॉरी सॉरी, वो क्या है ना कि पिछले एक साल से मैंने रोटी नहीं खाई थी। तो रोटी दिखी तो मैं आपने एक साल से रोटी नहीं खाई तो क्या खाया फिर? सिर्फ दही चावल ही खाया। वो क्या है ना, वो सफेद रंग की होती है और मुझे सिर्फ सफेद खाना ही अलाउड है,
एक मिनट, खाली सफेद का है, पीला, हरा, भूरा, नीला, बैगनी, सब का है नहीं? सफेद रंग की चीजों से ना बुरे ग्रहों पे असर कम होता है, इसलिए सिर्फ सफेद रंग की चीजें खा सकते हैं। क्या? ये क्या बात कर रही हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। होता है, मेरी माँ को यही लगता है, इसलिए तो एक साल से मैं सिर्फ दही चावल ही खा रही हूँ। बस पेट भर गया, और कुछ चाहिए? बचा ही क्या है पुष्पा जी। संतू, अच्छा बताओ किसके खिलाफ लिखनी है रिपोर्ट? मेरी माँ के खिलाफ। अच्छा बताओ किसके खिलाफ लिखवानी है रिपोर्ट? मेरी माँ के खिलाफ। तुम अपनी माँ के खिलाफ इसलिए कंप्लेंट लिखाना चाहती हो क्योंकि पिछले एक साल से वो तुम्हें सिर्फ सफेद खाना, दही चावल खाने दे रही है, इसलिए? बात सिर्फ दही चावल की नहीं है मैडम, उन्होंने मेरी जिंदगी से रंग ही उतार दिए हैं। मैं अपनी पसंद के कलर के कपड़े ही नहीं पहन सकती, मुझे सिर्फ रेड कलर के कपड़े पहनना अलाउड है। ये देखिए, ये रेड कलर का, ये टीका, और ये मेरे हाथों में देखिए, और ये चिन पर जो निशान है ना, हमेशा इसके साथ रहना पड़ता है। ये देखिए, सोते टाइम इसे साथ में रखकर सोना पड़ता है ताकि मुझे बुरे सपने ना आए। दक्षिण की तरफ देखकर मैं सो ही नहीं सकती, उत्तर की तरफ मैं छींक ही नहीं सकती, पूरब की तरफ मैं हंस नहीं सकती, और पश्चिम की तरफ मैं खा नहीं सकती। ये सब एक साल से चल रहा है मैडम, एक साल से चल रहा है, और अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज आप लोग मेरी बात समझिए, प्लीज। प्रथा, ये एक बात बताओ, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ऐसा कर क्यों रही है? क्योंकि मेरी शादी नहीं हो रही है। क्या? पिछले एक साल से जितने भी रिश्ते आए सबने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो मैडम सर को भी कर रहे हैं वो? तो संतु बेटा, ये मामला थोड़ा अलग है और थोड़ा गंभीर है। मेरी माँ को लगता है कि मेरे बुरे ग्रहों की वजह से मेरी शादी नहीं हो रही है, इसलिए उन्हें ठीक करने के लिए वो ये सब टोना टोटका आजमा रही है। ठीक, मैंने तो सुना है कि अब शादी के बाद बुरे ग्रह शुरू होते हैं। संतु जी, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी इसका उल्टा भी हो जाता है। हमारे जबलपुर वाले धुजुन भैया याद है आपको, उनका पड़ोसी बल्ली भैया, पूरा जिंदगी में चूरन वाला 10 रुपया तक का लॉटरी नहीं निकला उनका, लेकिन जिस दिन शादी किए ना वो संतु जी, 10 लाख का लॉटरी निकल गया उनका। तो शादी के बाद ही बल्ली भैया का बल्ला। सॉरी मैडम। देखो प्रथा, तुम एक पढ़ी लिखी नए जमाने की अच्छी लड़की हो, अपनी माँ से इस बारे में बात करो, उन्हें समझाओ कि ये सब बेमतलब की बातें हैं, अंधविश्वास है, इनसे कुछ नहीं होता। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की है मैडम, लेकिन उन्होंने अपने आंखों पर अंधविश्वास की ऐसी पट्टी लगा रखी है कि अगर उन्हें कोई समझाने जाता है तो उन्हें लगता है कि वो उनका दुश्मन है। प्लीज मैडम, मेरी माँ को समझाइए कि वो ये सब कुछ बंद करे। ठीक है, हम बात करेंगे तुम्हारी माँ से, आई एम श्योर वो समझाएंगे। एक मिनट हाँ, मेरी माँ का फोन है। सवाइक, मेरी माँ ने कहा था कि सवाइक से पहले घर पर आ जाना, वरना बुरे ग्रह और भी बुरे हो जाएंगे। मैं अगर सवाइक से पहले घर पर नहीं पहुंची ना, तो मेरा तो घर से बाहर निकलना भी बंद हो जाएगा। मैं चलती हूँ, आप प्लीज रिपोर्ट लिखवा। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है मैडम सर, कि कोई भी माँ अपनी बच्ची के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती है। बदबू कहाँ से आ रहा है? अम्मा, हमको ऐसे खा लग रहा है कि चूहा कहीं मर गया है। चूहा है कहाँ? अरे मैडम, चूहा रहेगा तब ना मरेगा। पिछले ही हफ्ते इस थाने का सारा चूहा हम पकड़े हैं। अम्मा, कहाँ बदबू है ये? ढूंढो का चूहा कहाँ मर गया है, ढूंढो चूहा को। ढूंढिए छेदी जी, खाली खड़े जुगा। राजवीर, एक मिनट, वो देखिए वो कायम वहाँ पे।
दूंगी। अरे छह दीदी आपका मोजा पड़ा है, बताइए क्या महाराज। लेके जाओ, लेके जाओ ये मोजा, जिसका भी बाहर लेके जाइए अभी अभी। देखिए मैडम, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। दिक्कत है, ये कहाँ है ये? चार दिन पहले खो गया था मैडम, मिल ही नहीं रहा था, यहाँ मिला। हम तो जाके बाहर फेंको ना। और लेकिन आप टेंशन क्यों लेती मैडम, अभी हम ठीक कर देते ना इसको। ये देखिए, सैलाब भी आ जाएगा ना डीओ का, तब भी ये ठीक नहीं होगा। जाइए इसको बाहर फेंक कर आइए आप जल्दी। जल्दी जाओ। अमकाऊं करके हमारा दिमाग खराब कर देते हो पूरा दिन। मैडम बदबू खत्म हो गया है, हाथ हटा लीजिए। हाँ ठीक है, दिखाइए जरा आज का सीसीटीवी फुटेज, देखिए आज थाने में कौन आया था। कोई नहीं आया था। ये तो वही लड़की है जो हमको महिला थाना के बाहर मिली थी। मैडम आप कहाँ जा रही है, मुझे रिपोर्ट लिखवानी थी। हाँ लिखवाइए ना अंदर जाके, आपको हेड कांस्टेबल पुष्पा जी मिलेगी, वहाँ जाके उन्हें रिपोर्ट लिखवा दीजिए। कोई आया नहीं था पक्का? अरे मैडम झूठ काहे के लिए बोलेंगे, कोई आता तो हम बताते नहीं क्या। अच्छे दीजिए ये कहा है? लैपटॉप। स्क्रीन पे कहा है? अरे हाँ ये लड़की आई थी मैडम। मैडम मतलब एकदम दिमाग से उतर गया। मतलब यहाँ कोई आ गया चल के और आपको ध्यान ही नहीं है कि कौन आया? हाँ हमने क्या कहा था कि हमारे पीछे से हमको कोई बकलोली नहीं चाहिए। हम वहाँ चले गए, हमारे पीछे से एक लड़की यहाँ आ गई और आप काहे आई थी? अरे हमको क्या पता कौन आया था क्यों आया था, हम कहाँ जाने गए, बस आई और गई। अम्मा एक लड़की चल के यहाँ आ गई, उसने कुछ तो कहा होगा अपने मुँह से, कुछ तो बात हुआ होगा। हाँ याद आया, वो आई थी और एक ही राग अलाप रही थी। हाँ। करिश्मा मैडम कहाँ है, करिश्मा मैडम कहाँ? फिर आपने क्या कहा? हमने कहा कि हमारी सम्माननीय यहाँ की जो थाना इंचार्ज हैं करिश्मा सिंह जी, वो महिला थाने गई हैं, वहीं मिलेंगी। मैडम जी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत सेफ फील होता है महिलाओं को आप इस शहर में है तो। सच कहे दरोगा जी देखे तो बहुत, आप सा नहीं देखा। जाइए सब जाइए यहाँ से। आप अमा का फंस गए हैं इन टोपा लोगों के बीच में। मतलब वो यहाँ हमको अपना FIR लिखवाने आई थी और गलती से पहुंच गई वहां महिला थाना। मतलब वो चाहती थी कि उसका केस हम सॉल्व करें। आपको हाँ ये वाली। तुम क्या खा रही हो? क्या कचौरी? गुलाब जामुन? कद्दू? लड्डू? लड्डू? लड्डू कहाँ से आए? पुष्पा जी लेकर आई, आप खाएंगी? एकदम फ्रेश है। नहीं नहीं ठीक है सुनो ले आओ। ओके बस एक। ओके हाँ मम्मी। अपना वादा याद है ना? वादा कौन सा वादा? इतनी जल्दी भूल गई? मैंने कहा था ना कि आज पूरा दिन कोई भी पीले रंग की चीज नहीं खानी है तुमने। पिलौंजी बाबा ने कहा था कि अगर आज के दिन तुम पीली चीज नहीं खाओगी तो तुम्हारी शादी बहुत जल्द हो जाएगी। हम्मी ये 2021 चल रहा है, आप अभी तक। मैडम सुन एकदम फ्रेश ये लो लड्डू। लड्डू? पीला लड्डू? नहीं अम्मी बिल्कुल नहीं। हसीना तुम पीला लड्डू खा रही हो? लड्डू। पुष्पा जी पुष्पा और कितना खिलाइएगा? पुष्पा जी आप खाइए। अरे नहीं नहीं हम खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। मोटे नहीं पुष्पा जी, और मोटे हो जाओगे बक। और ये भी कोई हमारी उम्र है और मोटे हो मतलब मोटे होने की? तुम खाओ देखो तो कितने पतले हो गए हो, छोटे हो तुम। खाओ जल्दी खाओ। करिश्मा मैडम। जय हिंद मैडम। जय हिंद। आप फिर से लगता बहुत मिस करिए इस थाने को। थाने का याद तो हमेशा आता है संतू, इस थाने से हमारा लगाव ही कुछ ऐसा है। क्या चल रहा है आज थाने में? पुष्पा जी लड्डू बनाकर लाई अपने घर से तो वो खिला रही है। लड्डू? क्या बात है पुष्पा जी, किस खुशखबरी में? नहीं मतलब हमने तो आपको कोई खुशखबरी दिया नहीं और आपका उम्र है नहीं खुशखबरी देने वाला। संतू
तुम्हें यहाँ जलने की बदबू आ रही है? ओह, मैं तो गैस पे दूध रख के भूल ही गई। उफ, ये मासूमियत। अरे संतू, हम कह रहे हैं कि यहाँ जलने की बुआ रही कि नहीं तुम्हें, क्योंकि किसी को ना देसी घी के लड्डू बहुत पसंद है। अब खाने तो है और खाने के लिए नहीं मिल रहे ना, मतलब वही जलने की बू आ रही। अब होता है भाई, अपना अपना नसीब, क्या करें। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। ये हमारे हिस्से का लड्डू है, आप खा लीजिए, शायद आपके नसीब का था, गलती से हमारे पास आ गया। कुछ और भी है मैडम सर जो हमारे नसीब का है और गलती से आपके पास आ गया है। पुष्पा जी। नहीं, वो आप ही कोई मोबाइल। फिर क्या? हम उस केस का बात कर रहे हैं जो हमारे पास आना चाहता था पर गलती से यहाँ पहुँचा है, वो लाल कपड़े वाले लड़की। हाँ हाँ, वही ना, जो यहाँ पर आकर हमारी संतू जी का सारा खाना खा गई थी। अरे हाँ हाँ हाँ, खाया था उसने। नहीं नहीं, मगर वो केस तो हमारे थाने में दर्ज हुआ है ना। हाँ, उसको लगा कि हम अभी भी इस थाना में, इसलिए वो यहाँ आ गई, पर वो हमारे पास आना चाहती थी तो ये केस हमारा हुआ। तो नहीं नहीं, जो भी हो वो केस हमारे थाने में दर्ज हुआ है ना, तो उसे तो हम ही सुलझाएंगे। पुष्पा जी, वो केस हमारा है, आप FIR कॉपी दीजिए ना। केस हमारा। FIR की कॉपी आपको नहीं मिलेगी करिश्मा सिंह, ये केस यहाँ दर्ज हुआ था तो इसे हम सॉल्व करेंगे। मैडम सर, आप ही ने कहा था कि फरियादी का जहाँ जिस थाने में मन करे वो उस थाने में जाके अपना कंप्लेन कर सकता है, अब आप ये बात भूल गए। हमने क्या कहा था करिश्मा सिंह, वो अहम नहीं है, हम जो कह रहे हैं वो सुनिए। ये केस आपको नहीं मिलेगा, हर बार आपकी जिद पूरी नहीं की जाएगी। जिद नहीं है मैडम सर, ये विश्वास है उस लड़की का हम पर, वो हमें बहुत मानती है, उसको लगता है कि हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं। आना वो हमारे पास चाहती थी लेकिन गलती से यहाँ इस थाना में आ गई, अगर उसे पता होता हम इस थाने में नहीं है तो वो यहाँ आती ही नहीं। मैडम सर, क्या कुछ भी कहे जा रही हैं आप, महिला थाने की पहचान मैडम सर से है, आपसे नहीं। लोग यहाँ आते हैं क्योंकि उन्हें पता है मैडम सर यहाँ है उनकी बात सुनने के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए। अब एक केस पाने के लिए आप कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बनाई जा रही हैं। नहीं नहीं, हम तो सच बता रहे पुष्पा जी, लेकिन आप सच जानना ही नहीं चाहती। सच का सूरत सर चढ़ कर बोल रहा है लेकिन आप है कि शुतुरमुर्ग की तरह रेत के नीचे सर घुसाए बैठी है। सच जानना चाहती हैं मैडम सर, आप हमारे साथ थोड़े टाइम के लिए आएंगे, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। वो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हम कुछ कहानी बना रहे हैं या हम ये केस डिजर्व नहीं करते हैं तो चैप्टर क्लोज, हम इस केस पे आज के बाद बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो देखने के बाद आपका नजरिया बदलता है और आप कन्विंस होती हैं, आपको लगता है कि नहीं हम ये केस डिजर्व करते हैं और हम कोई कहानी नहीं बना रहे हैं, तो आप ऑफिशियली ये केस हमको दे दीजिएगा। बोले मंजूर है? आप ऐसा क्या दिखाना चाहती हैं? आप आइए, आप खुद ही देख लीजिएगा। और पुष्पा जी, आप भी आइए। हाँ हाँ, चलिए चलिए मैडम सर, हम जाके आते हैं। मैडम सर, गाड़ी आज हम चलाते हैं। मैडम सर, अपने तरफ का शीशा नीचे की। करिश्मा सिंह। मैडम सर, आप देखिए तो सही। से उसी रास्ते पे। मैडम सर, अब आप गौर से देखिएगा। देखो करिश्मा सिंह। अरे ये तो हंटर वाली करिश्मा सिंह है। करिश्मा सिंह। लेडी दमन। अरे ये तो वही करिश्मा सिंह है ना, जिसने उस टीवी रिपोर्टर को गाड़ी के पीछे बांध के दौड़ाया था। हाँ हाँ, वही कंटा पॉली। ये सब करके जताना क्या चाहती थी आप? वही जो आप दोनों ने अभी देखा, जब हम मैडम सर की गाड़ी से निकले, मैडम सर को देखकर लोगों की वही प्रतिक्रिया रही जो आमतौर पर किसी भी पुलिस की गाड़ी को देखकर होती है। लेकिन जब उन्होंने हमको देखा तो उनकी आंखों में एक विश्वास था, एक
एक उम्मीद थी, एक एक सुकून था कि हमारे रहते वो लोग सुरक्षित हैं। अगर लोग मैडम सर की गाड़ी को हमारा गाड़ी समझ सकते हैं तो मैडम सर के थाने को हमारा थाना काहे नहीं समझ सकते। और इसी उम्मीद के साथ प्रथा भी हमारे थाना में आई थी पुष्पा जी, शायद उसे भी ताबड़तोड़ इंसाफ चाहिए था, एक झटके में इंस्टेंट मिलने वाला इंसाफ। मैडम सर, प्रथा ने गलती से आपके थाने को हमारा थाना समझ के कंप्लेंट लिखवा दी। अगर अभी भी आपको लगता है कि हम कोई कहानी बना रहे हैं या हम ये केस डिजर्व नहीं करते हैं तो फिर ठीक है, जैसा आप कहें मैडम सर। ये पॉइंट प्रूव करने के लिए आपने इतनी मेहनत की, मतलब ये केस आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ये केस आपका हुआ। पुष्पा जी। जी मैडम सर। केस की सारी फाइल्स इन्हें दे दीजिएगा और बचे हुए डिटेल्स मेल कर दीजिएगा। ओहो, क्या मुसीबत है ये। अरे लाइए, मैं आपकी मदद करता हूँ। अरे वाह, आइए आइए। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसे ही आम जनता पुलिस की सहायता करने लगे ना तो बहुत जल्द अपने भारतवर्ष में राम राज्य आ जाएगा। बहुत ही जिम्मेदार नागरिक हैं आप। कोई बात नहीं माता जी। क्या है ना, जिम्मेदार नागरिक की आंखें भी चौकस होनी चाहिए। नहीं मतलब किसे माता जी कहना है, किसे दीदी कहना है, ये भी समझ में आना चाहिए ना। सॉरी दीदी, जैसे मैं आपकी मदद कर रहा हूँ आप भी मेरी मदद करेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, धक्का मारिए। हाँ, बोली तो बोलिए, क्या चाहिए? आगे करिश्मा मैडम बैठी है ना, उनके साथ एक सेल्फी दिलवा दीजिए, हम बहुत बड़े फैन हैं उनके। आगे करिश्मा मैडम नहीं बैठी है। क्या, तो फिर कौन है? संतोष शर्मा। मुझे लगा करिश्मा मैडम है। सॉरी, वो तो नहीं है। अरे मैं तो भूल ही गया, आज तो मुझे बहुत जरूरी काम है। हाँ सॉरी, मुझे जाना होगा। जाइए जाइए, प्लीज जाइए। कैसा नालायक इंसान है ये। क्यों पुष्पा जी, आपको खुश होना चाहिए कि आपकी बहू के फैंस हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। मैडम सर, हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। बल्कि हमें तो बहुत गर्व महसूस होता है कि करिश्मा जी हमारी बहू है। बुरा ये लगता है कि ये मान पहचान जो आपको मिलना चाहिए वो उन्हें मिल रहा है। बुरा ये देखकर लगता है कि एक गलत विचारधारा को इतना समर्थन मिल रहा है। आइए आइए, मारिए धक्का, बताते हैं। करिश्मा सिंह लोगों की प्रॉब्लम्स का जल्द निपटारा देती हैं, इसलिए वो लोगों में ज्यादा पॉपुलर है। एंग्री यंग वुमन है ना, इसलिए। पुष्पा जी, आप कहती है ना कि अक्सर आपको रात में नींद नहीं आती। हाँ। तब आप क्या करती हैं? क्या करते हैं, बस नींद की दवाई ले लेते हैं। जुम्बा करिए पुष्पा जी, जुम्बा। धक्का देना बंद कर दे, हम बैठ जाते हैं वहाँ, तुम यहाँ आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, आप नींद की गोली खाती हैं ये जानते हुए भी कि ये आपकी परेशानी का मुश्ताकिल हल नहीं है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, फिर भी आप गोली खा लेती हैं ये सोचकर कि आपकी तकलीफ जल्द खत्म हो जाएगी। लोगों की भी यही प्रॉब्लम है पुष्पा जी, सबको अपनी प्रॉब्लम का फटाफट वाला सोल्यूशन चाहिए, जो करिश्मा सिंह करती हैं। इसीलिए लोगों को वो ज्यादा पसंद है और वो उन्हें मानते भी। संतु, अब ट्राई करो जरा गाड़ी चलाओ। संतोष शर्मा। अम्मा, टिक्का बोलना चाह रहे हो, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। ये जो मुंह में ठुसा के बैठे ना, उसको थूक के आओ पहले। तो सीने से बात करने का तरीका होता कि नहीं? अरे मैडम, ये पैदा भी ऐसा ही हुआ था, मुंह में पान दबा के। आपसे पूछा किसी ने? आप फाइल पर हाथ रखे कसम खाते हैं। बाय बाय। नहीं चेचा, चेक। हाँ मैडम, ये कह रहे हैं ना कि ये फाइल लेकर आए हैं आप। इतना जो भरतनाट्यम कोई भी किसी के सामने करेगा ना, कोई भी समझ जाएगा। ठीक है, हम ये आपके लिए चाय। धन्यवाद, बहुत जरूरत था इसका। बंद कीजिए, सब तो बंद ही है मैडम, देखिए। हम क्या टोपा लोगों के बीच में हम आ गए हैं। अबे
हो गया। प्रथा की माँ कब आ रही है? कौन मून वॉक करके आ रही है? देखिए हमारा बात, गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप प्रथा की अम्मा जी हैं। किस लिए बुलाया है आपने मुझे यहाँ? देखिए अब बोलिए आप, अब आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। बिगाड़ना तो हम वैसे भी कुछ नहीं चाहते हैं आपका। आपका जो बिगड़ चुका है और बिगड़ने वाला है उसको सुधारने के लिए हमने आपको यहाँ बुलाया है। आपका आपकी बेटी के साथ रिश्ता, समझ रही आप बात को? इतना बिगड़ गया है कि थाने तक आना पड़ गया है आपको। एक मिनट, ये देख रही हैं आप, ये धागे नहीं है मैडम, ये मेरा सुरक्षा कवच है। और हाँ, आप मेरे पारिवारिक मामले में दखल ना दीजिए, नहीं तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। आप मेरे पारिवारिक मामले में दखल ना दें, नहीं तो आपका सर्वनाश हो जाएगा और सब लोग विपत्ति में पड़ जाएंगे और सब छिन्नभिन्न हो जाएंगे। विपत्ति से तो हमको डर नहीं लगता है, क्योंकि विपत्ति हमारे लिए चाय की पत्ती की तरह है। रोज शाम को 3-4 बार चाय का बिस्कुट डुबा के हम चाय समझ के उसको पी लेते हैं। अब आप सुनो हमारा बात, ये जो आप ये टोटके टाटके, ये जो ये अंधविश्वास के चोचलों में पड़ी हुई है ना, इसे बंद कर दीजिए। इससे आपकी बेटी को बहुत परेशानी हो रही है। अगर आप ये कंटिन्यू करती हैं तो हमें आपके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं मैडम, ये मेरे सुरक्षा कवच आपको ऐसा कुछ करने ही नहीं देंगे। चैलेंज दे रही हैं आप? पुलिस स्टेशन में आके पुलिस ऑफिसर को चैलेंज दे रही हैं आप? हाँ, कर रहे हैं चैलेंज हम आपको। क्या कर लेंगे आप? अगर अंधविश्वास के नाम पर आप मुझे जेल में डालना चाहती हैं, तो मैडम जी मुझसे पहले इस शहर के आधा से ज्यादा लोगों को आपको जेल में डालना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, दाहिना पैर बाहर रखना शुभ होगा। एग्जाम देने से पहले दही गुड़ खा के जाना, एग्जाम अच्छे होंगे। अगर काली बिल्ली रास्ता काटते तो लोग रास्ता बदल देते हैं। और तो और मैडम जी, आपने खुद पुलिस स्टेशन के बाहर नींबू मिर्ची लटका रखी है, उसका क्या? हम तो सलाद के लिए लेकर आए थे मैडम। ये चंपक ने हमें कहा था कि सारी दुख परेशानियां दूर हो जाएंगी अगर नींबू मिर्ची टांग देंगे, तो बस उसी लिए। मैडम वो हमारी दीदी का। नहीं सुनना क्या कहती थी तुम्हारी दीदी तुम्हें, चुप रहिए। मैडम जी ये भी तो अंधविश्वास है, अगर आपको अंदर डालना ही है तो पहले उन लोगों को जेल में डालिए, फिर मुझे हाथ लगाइएगा। देखिए मैडम, आप हमारा बात सुनिए पहले। आपका बेटी FIR लेकर आई है हमारे पास कि आप ये जंतर मंतर करके ना आपने उसका जिंदगी मुहाल किया हुआ है। वो शांति का जिंदगी चाहती है, समझ गए आप बात को? मैडम जी ना समझ है वो, नादान है वो, अपना भला बुरा नहीं समझ सकती है। मैं ये जो कर रही हूँ ये सब उसके भले के लिए तो कर रही हूँ ना, मैं उसकी माँ हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, अच्छा पति मिले, अच्छा घर वर मिले, वो खुशहाल जीवन व्यतीत करे। मैडम जी जब उसको समझ आएगा कि ये सब मैं उसके लिए कर रही हूँ, तो वो मुझ पे गर्व करेगी और भगवान को धन्यवाद देगी कि उसको मेरे जैसी माँ मिली है। जब तक मेरी बेटी का घर नहीं बस जाता है
तब तक आप या कोई भी मुझे नहीं रोक सकता है। आपको जो करना है कर लीजिए। हे भोलेनाथ, बस ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखना। ऐसी हमारी बहुरानी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करती रहे, उन्हें किसी की नजर ना लगे। पुष्पा जी, हमने कुछ नहीं छुपाया, कुछ नहीं छुपाया। लेकिन मैंने देख लिया। क्या देख लिया? वही जो भी आपने किया पुष्पा जी। हमने कुछ भी तो नहीं किया। अरे चीते, चीते जल्दी देख। हाँ? ये देख, करिश्मा मैडम को नजर ना लगे इसलिए पुष्पा जी ने काला टीका लगाया है। क्या बात कर रही है पुष्पा जी, आप भी मानती है क्या काला टीका नजर वजर नींबू मिर्चा में? अरे नहीं, वो तो बस कभी कभी हो जाता है ना ऐसे। इसमें छुपाने वाली क्या बात है पुष्पा जी, इस तरह के थोड़े बहुत अंधविश्वास तो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होते ही है। वो है ना कि ये रंग पहन लो तो दिन अच्छा गुजरेगा, सुबह सुबह किसी का चेहरा देख लो तो कोई गुड न्यूज मिलेगी, इस तरह। हम भी जब सुबह सुबह लल्ला के पप्पा का चेहरा देखते थे ना, हमारा दिन भी बहुत अच्छा गुजरता था। तो हम कह रहे थे कि इस तरह के अंधविश्वास तो हमेशा होते ही, अब इनसे कैसे बचा जाए? नहीं मैडम सर, अच्छा वो करिश्मा मैडम ही केस देख रही है, वरना आप तो प्रथा की मम्मी को फेवर करते। ऐसी बात नहीं है संतोष, उसकी माँ जो कर रही है वो बहुत गलत है, क्योंकि उनका अंधविश्वास पागलपन की हद तक गुजर चुका है और इस बात की सजा मिल रही है उस बेचारी प्रथा को। इस तरह के अंधविश्वास को तो रोकना ही चाहिए। हम जानते हैं इसे कैसे रोक सकते हैं। कैसे मैडम सर? जाने दीजिए पुष्पा जी, जिस गांव नहीं जाना उसका रास्ता देखकर क्या करेंगे। और वैसे भी ये केस तो करिश्मा सिंह का है ना संतु, उन्हें अपने तरीके से हैंडल करने दीजिए। संतु जी आइए कुछ दिखाते हैं आपको, आइए। शांत, ध्यान ध्यान लगाओ, आइडिया आएगा, प्रथा के केस सॉल्व करने का आइडिया हमको आएगा। मैडम हाँ, चाय लेंगे? चाय। पहली बार जिंदगी में तुमने कोई ढंग का बात किया है चंपक, जाइए लेकर आइए। जाइए छेदी जी, चाय लेंगे। अच्छा हम जाते। लगता है मैडम का दिमागी संतुलन खराब हो गया है। लाफ्टर थेरेपी के बारे में सुना है कभी? हाँ सुना है ना मैडम। क्या होता है? नहीं जानते हैं। क्या दिक्कत है आपका, हमेशा ऐसे टुकुर टुकुर काय देखते रहते हैं हमको? नहीं वो बस ऐसे ही देख रहे थे, कल को हम भी इसी तरह से एक्सरसाइज वगैरह कर लेंगे कल। हम सुने हैं ना कि ऐसे ऐसे जो करते ना कपाल भाती, उससे बहुत अच्छा अच्छा आइडिया होता है। मैडम चाय लेकर आए क्या? हाँ ले आओ। कपाल भारती शीर्ष आसन कोई कुछ काम नहीं आ रहा आज हमारे दिमाग के लिए। मैडम जाए। धन्यवाद धन्यवाद।
कितना भी जोर लगा ले करिश्मा सिंह, कुछ नहीं होने वाला। सच तो ये है कि इस मामले में अगर कोई तेरा मदद कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैडम सर। करेक्ट मैडम सर। मैडम सर, मैडम सर क्या हुआ? आपको इतनी हिचकी क्यों आ रही है? मैडम हुआ क्या? मैडम क्या हुआ बताइए तो सर। क्या हुआ? नहीं नहीं, सिर्फ पूछ रही हूं कि पानी तो पी लो। हां पानी पानी तो पानी पानी। मैडम सर मैडम सर मैडम सर पानी पानी सर पानी पानी पीजिए पानी पीजिए। हां जरूर किसी दुश्मन ने याद किया होगा। आपको कैसे पता कोई दुश्मन याद कर रहा है? देखो तो कितनी जानलेवा हिचकी आई है दोस्त। ऐसे ऐसे याद करते हैं क्या? ये जरूर कोई दुश्मन ही याद कर रहा है आपको। करिश्मा मैडम और कौन हो सकता है? मामा नहीं, उनसे ही केस लेके उनसे ही मदद मांगे, इज्जत का फजीहत हो जाएगा। खुद से ही करिश्मा सिंह खुद का ही दिमाग लगा। तो फिर मैडम सर की तरह सोच, सोच वो इस सिचुएशन में होती तो क्या सोचती, क्या हल निकालती, कैसे सॉल्व करती इस केस को। तजुर्बा कहता है हमारा, अगर तुम किसे दिल से याद करो तो तुम्हारा एहसास उस तक पहुंच जाता है और तुम्हारा और उसका दिल एक हो जाता है और फिर तुम दोनों एक जैसा सोचने लगते हो। पुष्पा जी, हिचकी का मतलब कोई याद कर रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन होता है डिहाइड्रेशन। पानी पी लिया ठीक हो गए। थैंक यू मैडम सर, आप पीजिए। मासूमियत, सॉरी। और वैसे भी करिश्मा सिंह अगर हमें याद कर रही होंगी तो वो हमें फोन भी तो कर सकती हैं। मैडम सर, वो किसी मुसीबत में होगी ना कभी तो भी आपको फोन नहीं करेगी, तो सिर्फ याद आने पर क्या फोन करेंगी? अहंकार जो आड़े आएगा। फिर तो प्रॉब्लम है पुष्पा जी, क्योंकि करिश्मा सिंह की मदद तो हम तभी करेंगे जब वो खुद हमसे मदद मांगेंगे। ये तो सही है मैडम सर, अगर मदद चाहिए ना तो बोलना पड़ता है। जैसे अभी मेरे क्वार्टर में ना नल फिर से बहने लग गया तो मैंने मदद मांगी। प्लंबर से? खुद से। बाप रे, मैंने खुद से मदद मांगी कि प्लीज मेरी मदद करो, ये लीकेज बंद करने की। हाँ तो फिर क्या हुआ संतोष जी, आप खुद से खुद का मदद की? ऑब्वियसली, मैंने ही तो लीकेज रोका है। तुझे कितना बड़ा दिल है आपका ना, मतलब इतना सूझबूझ और समझदारी के साथ कौन आता है धरती पर आजकल? कोई भी नहीं संतू जी। आप दोनों को ये मैटर डिस्कस करने के लिए आधे दिन की छुट्टी चाहिए? नहीं नहीं मैडम सर, नहीं नहीं, इट्स ओके। हेलो हेलो हेलो, मैं प्रथा बोल रही हूँ, थाना मैडम इंचार्ज से बात हो सकती है? मैडम सर, मैडम सर, प्रथा बोल रही हूँ, प्रथा लाल कपड़े वाली। प्रथा जी? हेलो करिश्मा मैडम, ये आपने क्या कर दिया? आपने तो माँ को थाने में बुलाया था ताकि आप उन्हें समझा सके, वो तो आपको ही धमकी देके चली गई। एक मिनट प्रथा, हम करिश्मा सिंह नहीं, हम हसीना मलिक बोल रहे हैं। तो करिश्मा मैडम कहाँ है? फिलहाल यहाँ तो नहीं है। अच्छा सुनिए, करिश्मा मैडम को मेरा एक मैसेज दे दीजिएगा प्लीज। एक्चुअली मेरे पास ना ज्यादा वक्त नहीं है, मेरी माँ कभी भी आ सकती है। मेरी माँ कल मुझ पर एक नया टोना टोटका करने वाली है, उनसे कहिएगा कि वो। प्लीज उनसे कहिएगा कि मुझे आकर बचा लीजिए। थैंक यू। हम क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको। मैडम सर को फोन करे या ना करे, एक तो मैडम सर और हमारा सोचना नदी के वो दो किनारे हैं जो साथ तो चलते हैं लेकिन कभी मिल नहीं पाते हैं। करिश्मा सिंह कुछ सोच क्या कर सकते हैं। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। कमाल हो गया आज तो, हम भोलेनाथ से कुछ और भी मांग लेते हमें वो भी मिल जाता आज। देखिए आपका फोन आ गया। इसका मतलब आप चाहती थी कि हम आपको फोन करें? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं कुछ है मैडम सर, वो तो बस आप बताइए आपने कैसे फोन किया। दरअसल प्रथा का यहाँ थाने के लैंडलाइन पर फोन आया था, उसे लगा कि आपका थाना है इसलिए आप तो थी नहीं, तो हमने मैसेज दे दिया आप तक पहुँचाने को। जी जी मैडम सर बताइए क्या मैसेज है, बताइए हमें। मैसेज ये है कि प्रथा की माँ उसे फिर से किसी नए अंधविश्वास के ट्रीटमेंट के लिए गौतम पार्क ले जाने वाली है ठीक 10:17 पर।
और वो चाहती हैं कि आप वहां पहुंच जाए और उनकी मदद करें और इस टॉर्चर से उन्हें बचाएं। हम समझ गए मैडम सर, धन्यवाद ये मैसेज देने के लिए हमको। नहीं नहीं कोई बात। क्या? हाँ कुछ कहा आपने? नहीं नहीं मैडम सर, हमने तो कुछ भी नहीं कहा, बस धन्यवाद करना था वो कर दिया। शुक्रिया तो पहले भी कह चुकी, कुछ और कहा? नहीं नहीं मैडम सर, बस वही हमें कहना था, धन्यवाद। ठीक है तो फिर हम फोन रखते हैं। रखते हैं मैडम सर, जय हिंद। जय। बस यही यही हमें मैडम सर का बात ना समझ में नहीं आता है। अच्छे से जानते हैं कि हम कितने अड़ियल हैं, जिद्दी हैं, नहीं बोल पाते हैं। पहले तो क्या वो नहीं पूछ सकती थी हमें कि करिश्मा सिंह कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई मदद तो नहीं चाहिए? नहीं हमको नहीं चाहिए किसी का मदद, हम अपने तरीका से अपना केस निपटाएंगे। मदद नहीं मांगी ना आपसे? उनके इतना अहंकारी हमने देखा नहीं कोई। छोटी हो जाती क्या आपसे मदद मांग लेती तो? और वैसे भी सभी मायनों में आपसे छोटी तो है वो, और कितनी छोटी हो जाती। पुष्पा जी। नहीं मैडम सर, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। वो अभी नादान है, उनके पास उतना तजुर्बा भी नहीं है। जोश में आकर कहीं ऐसा वैसा कदम उठा लेंगे तो? मैडम सर हमें लगता है वो मांगे ना मांगे हमें उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार की थी उन्हें बिना कुछ कहे। नहीं पुष्पा जी, इस बार हम उनकी कोई मदद नहीं करेंगे, खासकर तब तक नहीं जब तक वो खुद हमसे मदद नहीं मांगती। शिव जी। दस बज के 17 मिनट हो गए हैं, किसी भी वक्त आ सकते हैं। हमारा बात सुनो, सब प्लान याद है ना अच्छे से? आ गए आ गए आ गए, जाइए जाइए, हम इशारा करेंगे तब आ जाना, ठीक है? जाइए जाइए, कोई गड़बड़ नहीं। देखो जया और प्रथा दोनों आ रही है, करिश्मा मैडम भी शायद आ ही रही होंगी। हाँ होशियार रहना, होशियार। होशियार तो मैं बचपन से हूँ पुष्पा जी, लेकिन अभी मुझे ये डर लग रहा है कि मैडम सर को तो पता नहीं है यहाँ पे आए करिश्मा मैडम की हेल्प करने, उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा? अरे हम यहाँ कुछ करने थोड़ी ना आए हैं, हम तो यहाँ बस नजर रखने आए हैं ना कि करिश्मा मैडम आने के बाद कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दे। लेकिन करिश्मा मैडम आई कहे नहीं? बेटा जैसे मैं तुम्हारे इस बकरे से शादी कराऊंगी ना, वैसे तुम्हारी शादी में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और तुम्हें तुम्हारा मनपसंद वर भी मिल जाएगा और तुम्हारी बहुत जल्दी शादी भी हो जाएगी मेरी बच्ची। चलो भगवान जी के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करो बेटा। ठीक है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हें लगता है ऐसा करने से तुम्हारी पुत्री का विवाह हो जाएगा? आम पट, कदापि नहीं, ऐसा करने से प्रचंड विपत्तियां आ जाएंगी। वाह वाह बोलो, वाह 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 वाह। पर आप कौन है महाराज? भूत भविष्य सब जिसके सेवक है उस त्रिकाल दृष्टा से पूछती हो कि हम कौन है? वाह 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 वाह, हम अपना नाम बता रहे हैं, हम हैं बाबा बाबा और हम सब जानते हैं, जो हुआ है वो भी जानते हैं, जो होने वाला है वो भी जानते हैं। बाबा बाबा है कि शायर है? तुम अपनी पुत्री की विवाह को लेके चिंतित हो ना? हाँ, पर आपको कैसे पता महाराज? अरे आपको कैसे पता नहीं होगा,
आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको तो सब पता होगा महाराज। दोनों टोटकों से कुछ नहीं होगा, पुत्री का विवाह नहीं होगा, बाबा वाह वाह का आशीर्वाद मिलेगा तो विवाह संपन्न होगा। हाँ महाराज। बेटा बाबा जी का आशीर्वाद लो, महाराज जी का आशीर्वाद दो बेटा। डरना मत, हम करिश्मा सिंह हैं। नहीं रिएक्ट बिल्कुल मत करना। हाँ साड़ी में जो है वो हमारे ही लोग हैं, तुमको यहाँ से छुड़ाने आए हैं। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है, हम हैं तुम्हारे साथ में। नहीं 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 मुंडी नहीं, बस बोलो बाबा वाह वाह। आम बट पुत्री अब तुम्हारा बारी। अब जो हम मंत्र बोलेंगे वो तुम्हें बोलना है 3 बार। हाँ मैडम सर, जय हिंद मैडम सर। जय हिंद पुष्पा जी, कहाँ हैं आप? हम मार्केट आए हैं। अरे कमाल है सर पिया, कितना ओवर एक्टिंग करते हो तुम दोनों, चुप रहो। मार्केट आए हैं भिंडी खरीदने, सेल लगी है ना? भिंडी की सेल लगी है? नहीं नहीं मतलब सेल साड़ी की लगी है, हम भिंडी खरीदने आए हैं, वो ऐसे आ रहे थे हम। पुष्पा जी क्या बोल रही हैं आप? अच्छा चीतू और संतोष कहाँ हैं? कहाँ हैं? हम आपसे पूछ रहे हैं। वो हमें कैसे पता वो दोनों कहाँ हैं? हम तो यहाँ मार्केट में भिंडी लेने आई है, जानते हैं। भिंडी टोपा हम तुम हम, टोपा हम तुम हम, कंटापम धर्मम, कंटापम धर्मम। मेरी बच्ची को कहाँ ले जा रहे हो? अरे 3 बार मंत्र पढ़ना पड़ेगा वरना अनर्थ हो जाएगा। महाराज अनर्थ होने जाएगा, अनर्थ हो गया, मेरी बच्ची किडनैप हो गई है। अरे छोड़िए महाराज। पुष्पा जी ये कैसी आवाज है, क्या हो रहा है वहाँ पर? मैडम से यह किडनैपिंग हो रही है। किडनैपिंग किसकी? पुष्पा जी कहाँ हैं आप, सच सच बताइए। नहीं नहीं हम अभी कुछ नहीं बता सकते, हम आपको बाद में बताते हैं, अभी फिलहाल फोन रखते हैं हम। जय हिंद मैडम सर। छोड़िए महाराज जी, मार तो सकते हैं ना मगर? अब मामा मार सकते हैं? मार देंगे, मार सकते हैं। चलो चलो हमारे साथ थाने चलो, चलो। कहाँ फंस गए? किडनैपर को पकड़ लिए हैं हम। किडनैपर? मैडम सर प्रथा का अपहरण करते हुए रंगे हाथों पकड़े हैं हम लोग इसको। अच्छा ठीक है, तुम उस पर नजर रखो, हम आते हैं। ओके मैडम सर। को मैडम सर के आने से पहले निकलना होगा। आ रहा है बाबू, तुम्हारा ना बुरा समय आ रहा है। पता कौन आ रहा है? मैडम सर आ रही हैं। वो निकालेंगे तुम्हारे भूत का बबूत। तो कैसे इंसान हो, शर्म और आता है कि नहीं तुमको? इस साधु लोग का इतना पवित्र वेशभूषा, इसे वस्त्र धारण करके इतना गंदा छिया, कचब इंसान है संतोष जी। का मुसीबत है, कहाँ फंस गए हम? मैडम सर को पता चलेगा कि कैसा बेकार बकवास प्लान बनाया था तो पूरा इज्जत का कचरा हो जाएगा। हमें जाने दो, हमसे गलती होगा नहीं तो हम बस में कर देंगे सबको। तुम्हारी मैया की सासू मैया
पुलिस को धमकी दे रहा है। हाँ, एक कंटा आप मारेंगे ना, मुंह से एक ही बात निकलेगी, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सा नहीं देखा। बहुत बढ़िया चीफ भाभी, वो भी चोरी का। शांतो जी, इधर देखो आंखों में देख के बोलो ना। हाँ, चोरी का नहीं, ओरिजिनल है, थाने का कॉपीराइट है इस पे। पुलिस को चोर बोला, तेरी तो संतु जी, संतु जी, संतु जी। नहीं, 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 आप मारेंगे संतु जी इसको। अरे आप मारेंगे, मर मुरा जाएगा ये। आसपास कोई अस्पताल भी नहीं है इसका मरहम पट्टी करवाने के लिए। बाहर चलिए, हम आपको ऐसा चाय पिलाएंगे, बदनमुआ का चाय आपको बहुत बढ़िया लगेगा। चलिए आइए, थोड़ी गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। तो जाने दो ना सास माँ जी। हाँ? पुत्री, हाँ? गलती हो गया, जो भी किया पापी पेट के लिए किया, समझ सकते हो। हमने सुना बहुत जज्बाती हो, थोड़ा जज्बात दिखा दो, हमें जाने दो। देखो, जाने तो हम तुम्हें दे नहीं सकते, इतना जरूर कर सकते हैं कि तुम्हारी सजा कम से कम हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारा काम करना पड़ेगा। क्या? तुम टोटके वोटके करते हो ना, हाँ? लोगों की समस्याओं का समाधान करते हो। हाँ तो? तो हमें भी कोई ऐसा टोटका दो ना, जिससे हमारी जो बहू है ना, वो हमारे वश में रहे। एक मिनट, दिखाते हैं हम तुमको। ये देखो, ये है हमारी चुड़ैल बहू, लगती है ना एकदम खूंखार। वैसी नकचड़ी बहू है, गुस्सा देखा, गुस्सा तो हमेशा नाक पे सवार रहता है। इसलिए हम कह रहे हैं, हमें कोई ऐसा टोटका दो जिससे वो हमारे वश में रहे, वो हम जो कहे वो वैसा करे, बिल्कुल हमारे गुलाम बन के रहे, हमारे अंगूठे के नीचे रहे। हाँ, लेकिन पुत्री, हमारा अंतर्ज्ञान कह रहा है कि तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है। काहे की अच्छी, चुड़ैल है चुड़ैल, वो भी खून पीने वाली चुड़ैल। हमको तो लगता है ना बाबा जी, हमारे लल्ला के पिछले जन्मों का पाप है जो हम इस जन्म में भुगत रहे हैं। हमारे हंसते खेलते परिवार को नर्क बना के रख दिया इस डायन ने बहु बन के। हम क्या बताएं आपको, मन तो करता है ना उसको ना सिलबट्टे में रख के ऐसा कूटे, मसालेदानी में डाल के उसको ऐसा पीसे, वॉशिंग मशीन में डाल के उसको धोए, उसको तूर तूर करके रख दे। समझ गए हम, देते हैं कुछ टोटका देते हैं। हाँ बाबा जी, बताइए। दिया क्या दिया? अभी कहाँ कुछ दिया आपने? दिया दीपक, जलाने वाला दीपक। हाँ वो है ना, दो ना। हाँ लाते हम भी ना। शिव जी, टोटका मिलने वाला है अभी। मैडम सर, यही किडनैपर है। उम्मीद नहीं थी कि आप हमसे झूठ कहेंगे। और करिश्मा सिंह अगर अपनी टीम के साथ किसी मिशन पर जा रही थी तो किसने कहा आप लोगों को जाकर वहां दखलअंदाजी करने के लिए? मैडम सर, हमें माफ कर दीजिए, वो दरअसल हम बहुत डर गए थे, इसलिए आपसे कुछ कह नहीं पाए। मगर हम वहां इनके काम में दखलअंदाजी करने नहीं गए थे, हम तो करिश्मा जी पर नजर रखने के लिए गए थे कि कहीं वो वहां आके कुछ गड़बड़ ना कर दे। और देखिए ना, हमारा डर सही निकला ना, कर दी ना गड़बड़। आप रहने दीजिए पुष्पा जी, ये चटनी जो बना ना, ये आपके कारण बना है। अच्छा खासा हमारा प्लान था, बीच में आके सब गुड़ गोबर कर दिया। ये आपका अच्छा प्लान था, हा? लड़की की माँ की आकर ठिकाने लगाने के बजाय लड़की को उठाया जा रहा था, मतलब सर दर्द के लिए घुटनों की मालिश हो रही थी, ये आपका प्लान था। अब मैडम सर, आप ही बताइए, कोई दुख था इस प्लान में? इस मामले में हम पुष्पा जी से अग्री करते हैं, ये वाकई बहुत खराब प्लान था। अगर प्रथा की माँ को पता चल जाता कि इस सब के पीछे करिश्मा सिंह का हाथ है तो जानती है क्या होता? आपके साथ साथ पूरे थाने के अगेंस्ट वो लीगल एक्शन ले सकती थी।
करिश्मा सिंह, अब आप एक थाना इंचार्ज हैं। अपने ओहदे की अहमियत और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस तरह के बिना सोचे समझे कदम उठाना बंद कीजिए। माफ कीजिएगा मैडम सर, पर ये हमारा प्लान था। आपको कोई अधिकार नहीं है बीच में बोलने का। ऐसा लाखों बार हुआ है कि हमें आपका प्लान समझ में ही नहीं आया, लेकिन फिर भी हमने उसको फॉलो किया, आपके ऑर्डर फॉलो किए, क्योंकि आप इस थाने की इंचार्ज हैं। इसलिए आप जो कहेंगी वो हमें मानना पड़ेगा, इसलिए हमने माना। लेकिन अब आप भूल रही हैं कि हम भी एक थाने का इंचार्ज है, इसलिए हमारा जो प्लान होगा वो हमारा जिम्मेदारी है, आपका नहीं। आपने अपनी टीम को वहां भेजकर हमारे प्लान को गुड़ गोबर कर दिया मैडम सर। एक सेकेंड, आपको ऐसा लगता है कि हमने इन्हें भेजा था? हमें तो इस सब के बारे में कुछ पता भी नहीं था करिश्मा सिंह। रहने दीजिए ना मैडम सर, सब आपके इशारों पे ही तो होता है। आपका एक्शन प्लान था ये, जो आप कहती है वो हम सब मानते हैं, इन्होंने माना। करिश्मा सिंह थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, ये सब करके हमें क्या मिलेगा, हम क्यों करेंगे ये सब? क्योंकि आप हमसे जलती हैं मैडम सर। और शुरू से जलती आई हैं, हमारे तरक्की से, हमारे उड़ान से, हमारे उत्थान से आप जलती आई हैं हमेशा। आप नहीं देख सकती कि आपका कोई जूनियर आपसे आगे कैसे बढ़ सकता है? आपसे आगे किसी और का नाम कैसे हो सकता है? किसी और का नाम न्यूज़पेपर पर कैसे आ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ मैडम सर का जय जयकार होना चाहिए इस लखनऊ शहर में, इसलिए आप जलती आई हैं हमसे, यही दिक्कत है आपका। बस एक और शब्द नहीं, अगर आपने कुछ भी खाना मैडम सर के लिए तो हम भूल जाएंगे कि ये थाना है और आप हमारी सीनियर है। आपके अभिमान ने तो इस बार सारी हदें पार कर ली करिश्मा जी। आपको इतना भी होश नहीं है कि आप क्या कह रही हैं, किसके सामने किसके लिए कह रही हैं? देखिए मैडम सर को तो कुछ गुमान भी नहीं था कि हम वहां हैं। आप तो करेंगी वकालत पुष्पा जी, आप अंधभक्त जो ठहरी, आपको नहीं दिखता मैडम सर का सही और गलत। नहीं मैडम, नहीं, ऐसा 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 सच में नहीं है मैडम। का नहीं है चीते, ऐसा का नहीं है? मतलब कि मैडम सर को सच में नहीं पता था कि हम लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। मैडम, ये पूरा प्लान पुष्पा जी का था और पुष्पा जी ने कहा था कि मैडम सर को ना बताएं। हाँ। बस आप दोनों का ही कमी था, आप भी पंचायत में कूद गए। अरे आप समझ क्यों नहीं रही हैं? कोई भी पंचायती नहीं कर रहा है। हाँ मैडम, आप जानती है मैं झूठ नहीं बोल पाती, मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा। देखो। हाँ मैडम, हाँ। करिश्मा सिंह, काश हमारी तहजीब में आपके इन ओछे इल्जामों के कोई जवाब होते, पर अफसोस कि हम अपनी मायार से इतना नीचे भी नहीं उतर सकते। अगर आपको लगता है कि हमारी टीम की वजह से आपके मिशन में कोई भी अड़चन आई है, तो इन सब की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। मैडम सर, और इस सब के बाद भी अगर आपको अपने इस केस में हमारी जरूरत हो तो बताइएगा। वाह, बहुत बढ़िया, कितनी महान हैं आप मैडम सर। नहीं मतलब हम तो दब गए आपकी महानता के तले, हमेशा दब जाते हैं। तो समझ में नहीं आता आप ये कैसे कर लेती हैं मैडम सर, हर वक्त अपने आप को अच्छा और सामने वाले को बुरा ठहरा देती हैं। हर वक्त आप हीरो और सामने वाला विलन बन जाता है। आपको हमारा हमारा मदद करना है ना मैडम सर? हाँ, हमें आपका मदद का जरूरत है। आप हमारा ये मदद कीजिए कि मेहरबानी करके हमारा मदद करने का कोशिश मत कीजिएगा मैडम सर। हम अपना थाना अपने तरीकों से चलाना चाहते हैं, हमें चलाने दीजिए मैडम सर, बस ये मदद कर दीजिए। जय। तुम चुप ही रहो, क्या कर रहे हो पूरे रास्ते? एक मिनट, क्या हुआ? अरे बैठ जाइए, हम समझा रहे ना आप। क्या है जी, एकदम आप दिमाग खराब कर दिए इनका। अरे आप खड़े खड़े जुगाली करिए ना, काहे परेशान कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन देंगे? अब मैडम, ये है एडवोकेट लल्लन, उर्फ एक एक को देख लेंगे। क्या कोर्ट में क्लाइंट को बोलते बोलते आदत सी पड़ गई है, इसलिए मुंह से निकल जाता है, देख लेंगे केक को। ठीक है, बहुत बढ़िया। मुद्दे पर आ जाएं वकील साहब, इन्होंने आपको मामला तो बता ही दिया होगा, तो फिर बताइए आपका एक्सपर्ट ओपिनियन, कानूनन हम क्या कर सकते हैं इस केस में? देखिए क्या है ना कि मामला थोड़ा पेचीदा सा तो है, क्या है ना कि कोर्ट में अभी तक ऐसी कोई धारा बनी नहीं,
जो अपनी माँ को बेटी का भला सोचने से रोक सके। पर मेरे पास ना ऐसा एक उड़न खटोला आइडिया है जिससे ये पूरा मामला जड़ से साफ हो जाएगा। बस बहुत बढ़िया, बस हम इसी उड़न खटोले आइडिया का वेट कर रहे थे। बहुत बढ़िया, तो फिर आप अरे क्या है ये सब, अब बैठ जाइए यहाँ पे, कुछ भी। अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये? सच के लगता हुआ रेलवे ट्रैक है, कुछ ट्रेन जाता तो ऐसा होता। घबराइए मत, घबराइए मत आप। पक्का मुसीबत है ये। वकील साहब घबराइए मत, आ जाइए, ट्रेन गया अभी, आ जाइए। बैठिए बैठिए और बताइए आइडिया क्या है, हमको आइडिया जानना है, जल्दी बताइए। हाँ बताते। ये लीजिए, अगले रविवार तक इसको अपनी जेब में रखिए, सब ठीक हो जाएगा। बहुत पहुंचे हुए बाबा का टोटका है, कभी फेल नहीं गया। बाकी सब देख लेंगे केक को। का है ये? कहां से उठाकर लाए हो ये हकीम लुकमान को? आपने कहा था कि इसका इलाज कोई अच्छा सा वकील कर सकता है, तो किसको लाना चाहिए था यहाँ पे? सॉरी मैडम, लाना तो डॉक्टर को चाहिए था इलाज के लिए। ये थाना है, ये लोग हैं ये थाना के, इनको चलाएंगे हम, और आपका मुंह देख रहे हैं, समझाइए कुछ। आप नहीं कुछ समझाएंगे? नहीं मैडम, हम समझ गए कि महिलाएं कहती कुछ और है, उसका मतलब कुछ और होता है, कहती कुछ और है, मतलब समझना चाहिए क्या? अरे कहां से समझोगे भाई, अब देखो मेरी बीवी को ही देख लो, अब इन्हें बनाने वाला खुद समझ नहीं पाया, तो हम किस खेत की मूली है? अब देखो ना, दुनिया के हर समस्या के टोटके बने हैं, पर औरत को समझने का टोटका आज तक कोई नहीं बना पाया। यहाँ तो ये भी नहीं कह सकते देख लेंगे केक को। क्या कब से बकलोली चल रही है, चबड़ चबड़ सुन रहे हैं हम तुम लोगों का, और कहा महिला का, महिला जो कहती है ना उसका मतलब भी वही होता है, समझ रहे हमारी बात को? कंफ्यूज होते हो तुम लोग मर्द, कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो। 100 बार बोर्ड लाओ और 100 बार उस बोर्ड पे लिखो कि महिला जो कहती है उसका मतलब भी वही होता है, नहीं तो लाइन हाजिर कर देंगे 2 मिनट में, ठीक है? और इसको धमकी मत समझना, क्योंकि हम भी एक महिला है और हम भी जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। समझ गए मैडम, समझ गए। और आप भाई साहब, हमने आपको यहाँ किस लिए बुलाया था? ताकि हम ये जो टोटके टाटके हो रहे हैं इससे पीछा छुड़वा सके, और आप है कि आप अपने टोटके का दुकान हमारे सामने लाके खड़ा कर रहे हैं। देखिए अगर आपके पास कोई कानूनन एडवाइस, कोई लीगल एडवाइस है तो वो हमको बताइए, नहीं तो फिर जय राम जी की, निकलिए यहाँ से, कटिए। अरे मैडम क्या है ना कि कोर्ट कचहरी के मामलों में टाइम बहुत लग जाता है, टोटको से काम जरा जल्दी बन जाता है, इसलिए तो टोटके डिमांड में है ना, इसलिए साइड बिजनेस यही है अपना। वैसे से लॉयर हमारे पास और भी तरीके हैं उस लेडी को रोकने के। जैसे हम लड़की की माँ के ऊपर मेंटल टॉर्चर का चार्ज लगा सकते हैं, जिसकी वजह से लड़की इतनी हलकान हो चुकी है कि सुसाइड भी कर बैठे। बस हो गया काम, बाकी देख लेंगे केक को, उसमें क्या है। ये हुआ ना बात, वकील साहब बहुत बढ़िया आइडिया दिया आपने। हम प्रथा की माँ को टोटका करते हुए रंगे हाथ पकड़ लेंगे और कानूनन गिरफ्तार कर लेंगे। हाँ अम्मी, हमें आपकी सारी बातें बहुत अच्छे से याद है, हम कुछ नहीं भूले। वही ना कि सफेद रंग का कुछ मत खाना, हमने सुबह से कुछ खाया ही नहीं, मतलब खाया है, सफेद रंग का नहीं खाया, ठीक है अम्मी? अब हमने सफेद रंग का खाया या नहीं खाया, इस वजह से गाड़ी खराब हो गई है, इस बात का क्या कनेक्शन है? नहीं सॉरी, हम गुस्से में नहीं है, हम बस केस को लेके परेशान है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो गया। हाँ अम्मी, हमें दूसरा फोन आ रहा है, हम आपसे बाद में बात करते हैं, ठीक है? चलिए फोन रख रहे हैं, ओके बाय। वैसे मैडम सर, आपकी अम्मी भी बिल्कुल वैसी ही है ना? कैसी? प्रथा की मम्मी की तरह अंधविश्वासी। हाँ कह सकते हैं, सबकी मम्मी ऐसी होती है, मेरी मम्मी भी ऐसी है। उनको ऐसा लगता है कि अगर घर में नल से पानी टपक रहा है मतलब कुछ बहुत बुरा होगा हमारे साथ। देखिए ना, उनकी बात गलत भी नहीं लगती। अब मेरा क्वार्टर का नल वापस लीक करने लग गया और करिश्मा मैडम का ट्रांसफर हो गया, तो हमारी टीम टूट गई ना मैडम सर। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बहुत अच्छे से प्लम्बर को बुलाना चाहिए और मेरे क्वार्टर का नल ठीक कराना चाहिए। हो सकता है कि करिश्मा मैडम वापस आ जाए और हमारी टीम वापस एक हो जाए। गाड़ी ठीक हो गई? हो रही है, करती हूँ।
रुको। प्रथा प्रथा, तुम अपनी जान देना चाहती हो तो और मैं क्या करूं मैडम सर, मेरी सारी उम्मीद टूट गई है। देखो प्रथा, इतनी जल्दी ना उम्मीद नहीं होते। I'm sure कि बहुत जल्द झूठी उम्मीद देने की जरूरत नहीं है मैडम सर। मुझे लगा था कि करिश्मा मैडम कुछ कर पाएंगे लेकिन वो भी नहीं कर पाई। अब कोई उम्मीद नहीं है मुझे उनसे। कल मेरी माँ मुझे वहीं ले जाएगी, वो टोटका पूरा कर देगी जो अधूरा रह गया था, मेरी शादी एक बकरे से। नहीं नहीं, मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं मर ही जाती हूँ, ना मैं रहूंगी और ना माँ के ये टोटके। प्रथा देखो, ऐसे नहीं सोचते। दुनिया की कोई भी मुश्किल एक इंसान के हौसले से बढ़कर नहीं होती। आपके लिए कहना बहुत आसान है मैडम सर, आप मेरी जगह पर नहीं है ना। अगर आप पर ये सब गुजरी होती ना तो। नहीं, गुजरी है मैडम सर पे, अभी थोड़ी देर पहले ही गुजरी है। हमारे अब्बू के गुजर जाने के बाद जिंदगी की सारी जिम्मेदारियां हमारी अम्मी पर आ गई, हमारी पढ़ाई की, हमारी शादी की। उन्होंने बहुत कोशिश की हमारी शादी कराने की पर वो कामयाब नहीं हो पाई। नतीजा ये कि एक नाउम्मीद इंसान बहुत जल्द अंधविश्वास का शिकार हो जाता है। हमारी अम्मी भी हो गई तुम्हारी अम्मी की तरह। फिर यही सब शुरू हो गया कि वो रंग मत पहनो, इस रंग का कुछ खाओ मत। इस सब से हमारी शादी तो नहीं हुई लेकिन खुद के लिए बहुत बुरा लगने लगा हमें। सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां ही उड़ गई। जिंदगी ऐसा लगता है जैसे बस इन टोने टोटकों में सिमट कर रह जाती है। लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी, हमने खुद को संभाला, अपनी पढ़ाई पूरी की, मेहनत की, पुलिस की एग्जाम दी और आज जैसे भी हैं, जो भी हैं, तुम्हारे सामने खड़े हैं। शादी हमारी अब तक नहीं हुई लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि हुई नहीं, इसलिए क्योंकि हम नहीं करना चाहते। हम जिसे चाहते थे वो हमें मिला नहीं। लेकिन हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। अम्मी के टोने टोट के हाँ अब भी जारी हैं, अब भी वो कुछ ना कुछ कहती रहती हैं और हम मान भी जाते हैं, कर भी लेते हैं, इसलिए क्योंकि हम उन्हें दुखी नहीं करना चाहते। हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। प्रथा, हम तुमसे वादा करते हैं कल तक तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सच? हाँ, लेकिन तुम अभी घर जाओ और अपनी माँ के सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना जैसे कि कुछ हुआ ही, वरना उन्हें शक हो जाएगा। और कल हम तुम्हें वहीं मिलेंगे जहाँ तुम्हारी माँ तुम्हें ले जाने वाली है। ठीक है मैडम, पता नहीं क्यों पर आपकी बातों पर भरोसा करने को बहुत मन कर रहा है। थैंक यू, ध्यान रखना। मैडम सर, ये आपने क्या किया? करिश्मा मैडम ने कहा था इस केस से दूर रहने के लिए और आपने प्रथा को वादा कर दिया। वो अपनी जान देने पर आमादा थी, मजबूर थी। हम और क्या करते, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब तो कर दिया वादा, जो होगा देखेंगे। रेडी पुष्पा जी? हाँ हाँ, हम तो कब से तैयार बैठे अभिनय करने के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, प्लीज ओवर एक्टिंग मत करना पुष्पा जी, हम पकड़े जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा सटल, थोड़ा सा आराम से करेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं। अरे हम कहाँ करते ओवर एक्टिंग, और तुम हमसे छोटे हो ये मत भूलो, तुमसे ज्यादा अभिनय आता है हमें। और वैसे भी तुम शायद भूल रही हो कि मोहल्ले के नाटक मंचन में 2 बार हमने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। अच्छा, पहला अवार्ड किसने जीता है? भयंकर तूफान में झूमता पेड़। और दूसरा? पागल नदी, एकदम सहज अभिनय किया था।
और तुम हमें ओवर एक्टिंग कहती हो। सॉरी पुष्पा जी, सॉरी, शुरू करती हूँ।